मुरादाबाद में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पॉजिटिव मरीजों को बेहतर इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। प्रदेश के कई जनपद ऐसे हैं जहां अस्पतालों में ऑक्सीजन की समस्या आ रही है। इस खतरे को देखते हुए मुरादाबाद जनपद में आने वाले 3 दिन के लिए ऑक्सीजन का स्टॉक कर रखा है। लगातार जनपद के अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। जनपद में पहले के मुकाबले अब 3 गुना ऑक्सीजन प्रतिदिन अस्पतालों को भेजी जा रही है, लेकिन इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों को ऑक्सीजन लेने के लिए जूझना पड़ रहा है। घंटों लाइन में लगकर एम्बुलेंस कर्मी केवल इंतजार करते रह जाते हैं। जी, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर रहती है जी, तो ये हमें ऑक्सीजन भरवाने के लिए आए थे यहाँ पे। लगभग 1-2 घंटा हो चुका है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही, ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है हमारे लिए। पता नहीं क्या हो रहा है, गेट नहीं खोल रहे हैं, अंदर से दरवाजा बंद है और गेट नहीं खोल रहे हैं। कह देते हैं अभी 1 घंटे का टाइम लगेगा, समय लगेगा, और हम बहुत परेशान हैं। रात और दिन सेवा कर रहे हैं, इतने पे भी हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही समय से। अब 1 घंटा हमें यहाँ खड़ा होना पड़ता है, मरीज वहाँ कुछ हो जाए पेशेंट के साथ में, तो हमें यहाँ दिक्कतें बहुत आ रही हैं ऑक्सीजन लेते समय। हाँ, 108 वालों को तो तुरंत मिलने चाहिए, इमरजेंसी सुविधा है इसके लिए, तो एकदम आए और वैसे ही एम्बुलेंस में मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दी जाए। कितनी गाड़ियाँ 108 की जो इस समय? यहाँ पे 10-12 गाड़ी हैं 108 की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे, लेकिन अभी गाड़ी एक आई है डिस्ट्रिक्ट से ऑक्सीजन के लिए, यहाँ पे 1-2 घंटा लगा है, अभी 1-2 घंटे के बाद कह रहे हैं ऑक्सीजन मिलेगी। जिले में इस समय पर डे जो है मेडिकल के लिए लगभग 30 टन पर डे की रिक्वायरमेंट है। DM साहब ने प्रशासन को अवगत कराया है, उस हिसाब से प्रशासन की तरफ से पूरी प्रयास किया जा रहा है कि समय से ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति होती रहे जिले में। इस समय कितनी मांग हो रही है ऑक्सीजन की, किस हिसाब से बहुत कमी पड़ पा रही है ऑक्सीजन की? इस समय जो पर डे की डिमांड आ रही है वो लगभग 25 से 30 टन हमारे ज़िले में आ रही है। ऑक्सीजन डिमांड के हिसाब से प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है, और जो हमारी डिमांड आ रही है उस हिसाब से आपूर्ति पूरी करने की पूरा प्रयास किया जा रहा है, और समय से हॉस्पिटलों में एम्बुलेंस में सब जगह सुचारू रूप से आपूर्ति की जा रही है। परेशानी सामने क्या, मैंने मैं जो आया हूँ, मैंने इनको 4:15 बजे फ़ोन किया था, मैंने कहा सर ऑक्सीजन बिलारी 108 से बात हो रही है आपकी, मैंने कहा ऑक्सीजन के लिए हमें आना है। हम कल भी आए थे, कल भी हमें ऑक्सीजन नहीं मिली, तो आज हमने फ़ोन करके अब हम आए हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले तो फ़ोन बंद था और अब दोबारा फ़ोन ऑन हो गया, बात हुई तो कह रहा है 1 घंटा अभी 1.5 घंटा इंतज़ार कर लीजिए, गाड़ी आ गई है, उतर रही है, उतरने के बाद ही सप्लाई करेंगे। कितनी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे 108 की खड़ी? इस समय तो 5-6 गाड़ियाँ आई, आप देख सकते हो, इधर दिखा दीजिए कैमरे को, और इन गाड़ियों में प्रत्येक गाड़ी में 2-2 सिलेंडर होते हैं। मेरे सामने तो 3-4 गाड़ियाँ करीब जा चुकी हैं, अब ऐसा तो मैं कह नहीं सकता। 2 बजे से खड़े हैं साहब, अभी तक 108 को गैस नहीं मिल पा रही है, काफ़ी हमारे साथी खड़े हैं, 8-10 गाड़ियाँ खड़ी हैं, प्राइवेट में ब्लैक हो रही है, प्राइवेट गाड़ियाँ आ भी जा रही हैं और 108 को कोई भी गैस नहीं मिल रही है। क्या घंटे से लाइन लगाए हैं? 2 बजे से खड़े हैं हम लोग, कुछ बता भी नहीं रहे हैं, कोई डिसीजन भी नहीं बताना कि हम देंगे या नहीं देंगे, गेट लगा लेते हैं, गाड़ियाँ आती हैं, कोई निश्चित टाइम भी नहीं बता रहे हैं। हाँ, 112 पे कॉल की थी। मरीजों का सेवा कैसे देंगे? जी, सहायता के लिए करा था। क्या हुआ? कुछ नहीं, अभी तक तो कोई निष्कर्ष निकला नहीं है। क्या लग रहा है अंदर से? कुछ कोई दबाव नहीं है अंदर से, बता ही नहीं रहे हैं कोई।